तो है गाइस, हमारे स्कूल में हो रहा है इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन और हम वहां जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। पहले हम स्कूल अपनी गाड़ी में जाते थे, आज हम जा रहे हैं अपनी पापा की बाइक लेके, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। पहले हमें ये खड्डों से भरा हुआ ब्रिज पार किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नए ब्रिज का काम लगा। ब्रिज पार करके हम आ गए अपने मेन रोड पर। हवा तो काफी अच्छी चल रही है यार, पर क्यों ना चले, आज खास दिन जो ठहरा। कुछ देर ऐसे ही हवाओं में घूमने के बाद फाइनली हम अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। अभी स्कूल के अंदर गए भी नहीं और हमें ये दो चीज अंदर दिखी जाती है, और ये है हमारी बाकी की पलटन, है ना मस्त। जब हम स्कूल की फ्रंट साइड जाते हैं, लेकिन एक सेकंड, अबे यहां तो फोटोग्राफी का काम चल रहा है। ये जो आगे आ रहे हैं ये है हमारे प्रिंसिपल सर। स्कूल में बहुत ही दबदबा है इनका। ये सब चल ही रहा था कि हम चले जाते हैं अपने फौजी भाई साहब से मिलने। ये आगे पुलिसमैन का रोल करेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे पीटी करवानी है और यहाँ पे इनकी सजावट का काम चल रहा है। और ये है यहाँ के अवार्ड जो कि खास लोगों को दिए जाएंगे, और यहाँ पर सर इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो चलो सुन के आते हैं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का नौजवान, मैं भारत का जवान। और यहाँ पर हमारे सर की रील्स चल रही हैं। तो प्रोग्राम के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं, और ये भाई साहब भी अपने ढोल ढाल सेट कर रहे हैं, और हम भी तैयार हैं इनका व्लॉग बनाने के लिए। ये जो लड़कियाँ आगे जा रही हैं, इन्होंने अपना राष्ट्रीय गान करना है। पीटी सर अपने ऑर्डर चला रहे हैं। तो फाइनली गाइस पीटी स्टार्ट होगी, और सर इनके पीछे पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे। और ये फ्लैग बार बार नीचे गिर रहा था, इसलिए मैम खुद गई इसे उठाने। तो अब हुई है असली परेड चालू। पूरे कार्यक्रम का काम इन सर को सौंपा गया, जो कि आगे स्पीकर का काम करेंगे। मैं वीडियो बनाने के लिए पूरी परेड के बीच में चला गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मुझे समझ नहीं आया ये क्यों आए हैं, फोटोग्राफी का काम तो हमने ले रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अगर इनमें होता तो वीडियो कौन बनाता। खड़े खड़े इनकी टांगों में तो दर्द हो रहा था, फिर इनको नीचे बैठ के एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये भाई साहब तो हमारे क्लास के ही हैं, लेकिन इनको वेटरी का काम सौंपा है। ये जो खड़े होके देख रहे हैं, ये है हमारे स्कूल की ऑडियंस। तो अभी बार ये सबके डांस की, तो चलिए देखते हैं। जलबा ये मेरा जलबा। तो ये सभी भाई साहब अपनी अपनी ड्यूटी देके आ चुके हैं। खुशी देख रहे हो लौंडे की। अबे ये तो वही फौजी है, अब ये वेटर का काम करने लगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और ये भाई साहब कहते हैं मेरा एक तिरंगे के साथ फोटो खींची, तो फिर क्या फोटो खींचती है भाई। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम चल दिए अपने घर के लिए। पापा ने कहा आते वक्त गाड़ी में पेट्रोल डलवा के ले आना, तो फिर क्या हम चल दिए बाइक में पेट्रोल डलवाने। फिर बाइक पे हम पेट्रोल डलवा के हम चल दिए सीधा अपने घर के लिए। आगे देखा तो ये भाई साहब हमें गोल गप्पे खाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अंदर अपना जलवा जलवा कर रहे थे। तो ये हमारी बाइक जिसको हमने घर जाने के लिए पूरा का पूरा रेडी कर लिया है। तो चलो फिर चलते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।